बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। नाराज हो? तुम्हें डांटते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं क्या करती? तुम तो जानते हो सारी प्रॉपर्टी निर्मल के नाम पे है। कमबख्त। तुम मुझसे यह कहने आई हो कि सारी प्रॉपर्टी निर्मल के नाम है, इसलिए तुम जब चाहो जहां चाहो मुझे जलील करोगी, सबके सामने मेरी बेइज्जती करोगी। जिसने तुम पर अपनी इज्जत निछावर कर दी हो, तुम्हें अपना जिस्म सौंप दिया हो, वो तुम्हारी क्या बेइज्जती करेगी? कुछ तो मेरा मान रखो। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी मेरी शादी होगी। क्यों? अब तो माने भी तुम्हें बहू मान लिया, मेरा यकीन रखो, लंदन से आते ही मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या तुम वापस लंदन जा रहे हो? हाँ, लेकिन सिर्फ थोड़े दिनों के लिए। मुझे अकेली छोड़कर? अकेले क्यों? तुम्हारे पास मेरा दिल जो है, और जो दिल में रहते हैं वो दूर रहकर भी दूर नहीं होते, हमेशा साथ होते हैं। मेरे मालिक को मार डाला, मेरे मालिक को मार डाला। क्या सतपाल जिंदा है? हाँ बाबा, मैंने अपनी आंखों से देखा, अस्पताल वालों ने पकड़ कर ले गए। लेकिन बेटे। बाबा, मैं सतपाल चाचा को पहचानने में भूल कर सकती हूँ क्या? मैं भी वो हादसा कैसे भूल सकता हूँ जिसमें मालिक के साथ सतपाल भी मारा गया। मालिक के साथ? कौन था उनका मालिक? आपके पिताजी। मेरा भाई सतपाल उनका ड्राइवर था। इसका मतलब अगर वही सतपाल है तो मेरे पिताजी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि सतपाल तो सिर्फ एक ही बात कहता है, मेरे मालिक को मार डाला, 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 मार डाला, मेरे मालिक को मार डाला, हाँ मार डाला, मार डाला, मेरे मालिक को मार डाला। डॉक्टर साहब, ये देखिए, 7-8 साल पहले इसे पागलपन की हालत में इस अस्पताल में लाया गया, और तब से इसकी जुबान पर एक ही बात है, मेरे मालिक को मार डाला, मेरे मालिक को मार डाला। हमें तो ताज्जुब था कि आज तक इससे मिलने कोई आया क्यों नहीं। डॉक्टर साहब, क्या ये ठीक हो सकते हैं? क्यों नहीं, अगर आप इसे शहर के किसी बड़े अस्पताल में ले जाकर इसका इलाज करवाएं तो ये जरूर ठीक हो सकता है। टीवी क्यों बंद कर दिया? क्या बात है बेटे? मां, पिताजी की मौत कैसे हुई? कार एक्सीडेंट में, सब जानते हैं, उनके साथ उनका ड्राइवर सतपाल भी मारा गया। नहीं मां, पिताजी का एक्सीडेंट नहीं, खून हुआ है, और सतपाल मरा नहीं, जिंदा है। ये क्या कह रहा है तू? एक्सीडेंट तो एक फरेब था हमारी आंखों को धोखा देने के लिए, क्योंकि सतपाल के मुंह पर एक ही रट है, मेरे मालिक को मार डाला, मेरे मालिक को मार डाला। और क्या कह रहा था वो? हमारी बदकिस्मती मां कि उसकी याददाश्त जा चुकी है, वो पागल हो गया है, लेकिन वो ठीक हो सकता है।
मैं उसे दिमागी इलाज के लिए शहर ले जाऊंगा, और जब तक मैं पिताजी के हथियारों का पता नहीं लगा लेता मैं लंदन नहीं जाऊंगा। मैं यही रहूंगा तेरे पास मां। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। बलदेव, ये सच है। निर्मल का बदला हुआ रुख सतपाल के जिंदा होने की गवाही दे रहा है। लेकिन मैं कैसे यकीन करूं? मुझे आज भी याद है वो रात जब मैं और तुम अरे क्यों रो रही है तकदीर की मारी? जो कुछ हो रहा है ना वो तो होता ही रहेगा तकदीर के सितम से। सतपाल जी, तुम ये रुको, 4 बजे एयरपोर्ट वापस जाना है। इस फ्लाइट को भी आज ही लेट होना था। मैं तो समझता था वेश्या सिर्फ बाजार में बैठी वो औरत होती है जिसकी मांग में किसी के कॉल का सिंदूर नहीं होता, जिसकी कलाई में किसी के नाम की चूड़ी नहीं होती, जिसके गले में किसी की बंदिश का मंगलसूत्र नहीं होता। मगर तू तो उन वेश्याओं से भी बदतर निकली जो पर्दे में होकर भी बेपर्दा होती है। और तू, तेरी जगह अगर मैं शाम से दोस्ती करता तो वो डसता, मगर इज्जत से कभी नहीं खेलता। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो अच्छा हुआ उसकी याददाश्त चली गई तकदीर के सितम से, वरना हम सबको हथकड़ी लग जाती। हथकड़ी तो अब भी लग सकती है। निर्मल सतपाल को लेकर शहर जा रहा है, उसका इलाज करवाने। अगर वो ठीक हो गया तो ठीक तो वो तब होगा जब निर्मल शहर पहुंचेगा। सतपाल अगर राय बहादुर के साथ नहीं मरा तो उसके बेटे निर्मल के साथ मरेगा। देखो निर्मल, हमने सतपाल को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है, चिंता की कोई बात नहीं, सुबह तुम्हारे शहर पहुंचने तक इसे होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, ऑल द बेस्ट। वो देखो जा रहा है। जाने दो कितनी दूर जाएगा, उसके कार में बॉम्ब है, कुछ ही मिनटों में एक धमाका होगा और सब खत्म। चलो उसकी मौत का तमाशा अपनी आंखों से देखते हैं। आ,
चला था कमीना अपने बाप के कातिलों की तलाश में, खुद ही मर गया। दाह संस्कार संपन्न हुआ, आइए मुखाग्नि दीजिए। आप मुखाग्नि देंगी? हाँ। आप नारी हैं, अपनी ही संतान को अग्नि दे सकेंगी? जब नारी संतान को जन्म दे सकती है तो अग्नि क्यों नहीं दे सकती? मैं अभागन इसकी सौतेली माँ, इसे जन्म देने का सौभाग्य तो नहीं मिला, कम से कम अग्नि तो देने दीजिए। वरना इसकी आत्मा कोसेगी, सौतेली माँ थी, कुछ नहीं दिया। चुरा के ले गई सोना सोना, दिल मेरा सोना। अबे ओ हराम खाओ, हवेली में मातंग हो रहा है, तेरे जवान भांजे की मौत हुई है और तू सर सबर रहा है? लोगों का रो रो के बुरा हाल है और तेरे आंखों में पसीना तक नहीं? भगवान करे तेरे मौत पे कुत्ता भी न रोए, तेरे अर्थी पर जूतों की माला चढ़े। मालिक बहुत बोल रहा तू, चौथे से निपट लूं फिर देखूंगा तुझे। अबे ओ बहन की बैसाखी के सहारे चलने वाले लंगड़े, तू क्या मुझे देख लेगा? जा नीचे जा, चौथे में तेरा इंतजार हो रहा है। हम तो बिल्कुल बेसहारा हो गए एसपी साहब, पहले राय बहादुर जी और अब निर्मल, दोनों कार एक्सीडेंट में चले गए। क्या बताऊं वकील साहब, मेरा तो कलेजा फट रहा है। जब से भांजे की मौत हुई है उनका एक दाना पेट पे नहीं गया, पानी पीता हूं आंसू बनकर बाहर निकल आते हैं। वसीयत लाए? हाँ बहना, वकील साहब आए हैं वसीयत की बात करने। वसीयत? मेरे बेटे की चिता की आग अभी ठंडी नहीं हुई और तुम्हें वसीयत की पड़ी है? अरे क्या करूंगी मैं ये हवेली, क्या करूंगी इस दौलत का? मेरा सब कुछ ले लो मगर मेरा निर्मल मुझे वापस ला दो, मेरा बच्चा मुझे वापस ला दो। सोनिया जी, दुखों की बिजली हम सब पर गिरी है, हौसला रखिए। ये बात सिर्फ एस्टेट और जायदाद की नहीं, इसके साथ जुड़े बहुत लोगों के परिवार हैं। अगर इस समय आप एस्टेट की बागडोर अपने हाथ में नहीं लेंगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लीज इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। क्या है ये? जी एक नोटिस है, जायदाद आपके नाम करने से पहले इस नोटिस को इश्तिहार के तौर पर अखबारों में देना होगा। 7 दिनों के अंदर अगर किसी आदमी ने जायदाद का दावा नहीं किया तो जायदाद आपकी हो जाएगी। प्लीज साइन इट। राजा अब तक नहीं पहुंचा? शायद भगवान ने उसकी आंखें खोल दी। एसपी साहब, हम लखपति की तरह जीना जरूर चाहते हैं लेकिन इस तरह लखपति बनना नहीं चाहते। मुझे खुशी होगी अगर राजा ने आपका काम करने का इरादा बदल दिया हो। वो लोग बड़े बेवकूफ होते हैं जो अजगर के मुंह में जाने के बाद जिंदगी की बात करते हैं। राजा खुद बदल सकता है लेकिन अपने उन इरादों को नहीं बदल सकता जो उसने मेरे लिए किए हैं। बड़ा भरोसा है आपको अपने आप पर। लोहे का स्वाद लोहार नहीं वो घोड़ा जानता है जिसके मुंह में लगाम होती है। मेरा नाम भीम थापा है, दगा भी मुझे दगा देने से डरता है। राजा तो मेरे हाथ का वो प्यादा है जिससे मुझे हवेली की बिसात जीत। अरे टेप क्यों बंद कर दिया, पागल हो गई क्या? हाँ हाँ मैं पागल हो गई हूँ, तुम सब गंदे लोग हो,
भैया की मौत पर आंसू बहाने के बजाय तुम नाच रहे हो। गुड्डी, ये क्या बकवास कर रही हो? जाओ अपने कमरे में। नहीं, मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। गुड्डी, बहुत लंबी जबान हो गई है तेरी, मुझसे जबान लड़ाती है। आइंदा अगर तुम्हें मुझसे जबान लड़ाई ना तो मैं। नहीं नहीं मालकिन, इसे मत मारिए, ये बच्ची है, ना समझ है। तू चुप, उठ, कमीनी, मरती भी नहीं। मालकिन, इस बच्ची को हाथ मत लगाइए। निर्मल बाबू इस दुनिया में नहीं, इसका मतलब ये नहीं आप इस बच्ची पर अत्याचार करें। अबे, अब तेरी ये औकात हो गई, तू मेरी बहना से जबान लड़ा रहा है? अरे बहुत सर पर चढ़ा रखा है तुझे। मैं कहता हूँ बहना, निकाल दो इसे नौकरी से। मुझे घर से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा रहा हूँ इस घर से। वैसे भी इस घर में ऐसा कोई नहीं रहा जिसे मालिक राम मालिक कहे। थोप! देखा देखा बहना। भैया, इस मनहूस को इसी वक्त ले जाकर हॉस्टल में डाल दो। नहीं, मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगी। अरे कैसे नहीं, नहीं जाएगी तू? मुझे हॉस्टल नहीं जाना। देखता हूँ कैसे नहीं जाएगी। अरे ये आधी रात को पेड़ कहां से गिर गया? तकदीर के सितम से। हाँ? अरे रुक, अरे भागती कहां है तू? रुक, मैंने कहा प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मुझे हॉस्टल नहीं जाना है। अरे कौन है, छोड़े से? नहीं प्लीज मुझे बचा लो। अबे कहा ना छोड़ इसे।